हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है अमिताभ बच्चन भी। जी हाँ, शहंशाह अमिताभ बच्चन जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 12 लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इसका आगाज किया था और अपने सोशल अकाउंट पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया था, जिससे उन्होंने बताया कि इस बार KBC 12 ऑनलाइन होने वाला है। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते सब कुछ वैसे भी ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे में KBC 12 को भी ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के इस वीडियो पर लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि अमिताभ बच्चन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे और ऐसे में काम भी कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन कहाँ चुप होने वाले थे। लोगों के इन सवालों का जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने हाल ही में बताया कि उन्होंने आखिर ये शूट कैसे किया। अमिताभ बच्चन ने बताया कि ये पूरा शूट उनके घर पर ही हुआ है और बहुत ही देख रेख के साथ इसे पूरा किया गया है। उन्होंने बहुत सारे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने इस बात को समझा कि किस तरह से कैमरा एंगल सेटअप किया जाए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि इस पूरे शूट को 2 दिन में ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन हमने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे 1 ही दिन में पूरा कर लिया। अमिताभ बच्चन ने लोगों को ये भी बताया कि हम ज़रूरत चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी नहीं तोड़ रहे। अमिताभ ने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में KBC कहाँ और कैसे पहुँचता है, ये मेकर्स उन्हें धीरे धीरे बताते जाएंगे। वहीं कोरोना वायरस की वजह से देवोलीना भट्टाचार्य जी की पूरी बिल्डिंग सील हो चुकी है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि देवोलीना के कुक को कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन देवोलीना ने बताया कि उनकी कुक को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उनकी कुक एक और जगह काम करती थी, वहां के इंसान को कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया है। ऐसे में उनकी कुक तो बिल्कुल ठीक है और उन्हीं की तरह वो भी 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन हो गई हैं। वैसे तो लॉकडाउन का असर तो सब पर पड़ा है, लेकिन शहनाज गिल की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। शहनाज गिल ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बता रही हैं कि बिग बॉस से निकलने के बाद उन्होंने क्या क्या सपने देखे थे। उन्होंने सपना देखा था कि लोग उनसे ऑटोग्राफ लेंगे, ऑटोग्राफ देते देते उनके हाथ दर्द हो जाएंगे, लेकिन असल में उनके हाथ दर्द हो रहे हैं घर के बर्तन धोने से। इस वीडियो में शहनाज बर्तन धोते हुए आंखों में आंसू लेते हुए ये फनी वीडियो शूट करते हुए नजर आ रही हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से देश में लॉकडाउन जारी किया गया है, इसीलिए देश में आम लोगों की तरह कलाकार भी अपने घरों में ही कैद हैं। ऐसे में कलाकार सोशल मीडिया के जरिए प्रशंसकों का मनोरंजन कर रहे हैं। अब कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने गुरुवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ ट्विटर पर एक लाइव चैट सेशन किया। इस चैट शो का नाम हार्ट टू हार्ट था। इस शो में कपिल ने रविशंकर से तमाम मजेदार सवाल किए। कपिल शर्मा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी कई सवाल किए और रविशंकर जी से पूछा कि गुरुदेव क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे उनकी पत्नी हमेशा उनकी तारीफ करे। कपिल शर्मा का ये सवाल सुनकर रविशंकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। रविशंकर इस सवाल को सुनकर जोर से हंस पड़े और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कपिल शर्मा के सवाल का जवाब दिया और कहा कि ये तभी हो सकेगा जब सूर्य पश्चिम से उगने लगेगा। इस जवाब को सुनकर कपिल हंसने लगे और बोले, गुरुदेव मैं आपका जवाब समझ गया हूँ। जिसके बाद रविशंकर ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और ये औरत वही होती है जो हमेशा कहती है कि ये गलत कर रहा है। खैर, कपिल शर्मा और रविशंकर के बीच हुई इन चैट को लोगों ने बहुत पसंद किया है। वहीं लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने रामानंद सागर की रामायण का दूरदर्शन पर दोबारा से प्रसारण भी शुरू किया था। दोबारा प्रसारण के दौरान रामायण ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। राष्ट्रीय चैनल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस रिकॉर्ड की जानकारी दी गई। वहीं अब इस रिकॉर्ड पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन के बीच रामानंद सागर की रामायण ने TRP रेटिंग्स में कई रिकॉर्ड बनाए। ये भी कहा गया कि रामायण ने दुनिया से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है। बताया गया कि राष्ट्रीय चैनल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि 16 अप्रैल को प्रसारित किया गया एपिसोड 7,70,00,000 से ज्यादा लोगों ने देखा था, जिस पर लाइव मिंट ने सवाल किए हैं। इस विवाद पर प्रसार भारती के CEO शशि शेखर से बात की गई। उनसे पूछा गया कि किस आधार पर रामायण के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई है, जिस पर शशि ने जवाब देते हुए लिखा
कि हमें ये पता है कि टीवी रेटिंग्स वाले खेल के बाहर भी बहुत सारे लोग ने ये शो देखा है। मोबाइल टीवी सर्विसेज जिन पर डीडी के चैनल्स आते हैं जैसे जियो टीवी और एमएक्स प्लेयर, इसके माध्यम से इसे आधार बनाया गया है। इसी के साथ ही शशि शेखर ने आगे कहा कि अगर हम इन सभी आंकड़ों को जोड़कर देखें तो रामायण की व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो इसे लॉकडाउन के दौरान 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। मैं रिकॉर्ड की बात ना करूं तो लॉकडाउन के दौरान इस महाकाव्य के दोबारा प्रसारण को देखने के लिए बहुत सारे परिवार एक साथ आए हैं। लोगों को घर पर सुरक्षित रखने में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपना काम काफ़ी प्रभावी तरीके से किया है। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।